नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोक के मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहस का नंबर वन शो। नोट बैन के बाद पीएम मोदी आज पहली बार गुजरात पहुंचे। बनासकांठा में पीएम ने ये कहा कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता और इसीलिए वो जनता के बीच नोटबंदी पर अपनी बात रखते हैं। पीएम का ये बयान बेहद इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि विपक्ष ने लगातार इसी मांग पर संसद में हंगामा मचाया कि पीएम नोटबंदी पर विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, देना होगा। और संसद में लगातार हंगामों की वजह से करीब पूरा का पूरा सत्र बर्बाद होने की कगार पर है। संसद के शीतकालीन सत्र में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 14 को होनी है सुनवाई। ऐसे में प्रधानमंत्री का बयान ये सवाल उठाता है कि क्या विपक्ष ने जानबूझकर हंगामा इसलिए मचाया ताकि प्रधानमंत्री को बोलने का मौका ना मिले और नोटबंदी पर सरकार जनता तक अपनी बात ना पहुंचा पाए। गुजरात के बनासकांठा में रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष चर्चा से इसलिए भाग रहा है क्योंकि नोटबंदी पर उसका झूठ सबके सामने आ गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो ईमानदारों के साथ खड़े हैं और इसीलिए विपक्ष ईमानदार लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आज कई बड़े सवाल ये कि पीएम संसद में ना बोल पाए, क्या विपक्ष के हंगामे के पीछे यही सोच थी? क्या विपक्ष ने नोटबंदी पर दुष्प्रचार किया और इसी वजह से पीएम जनता दरबार में जाने को मजबूर हुए? क्या विपक्ष ईमानदार लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा है और क्या विपक्ष चाहता है कि भारत कर्ज में डूबा रहे? खास मेहमानों का पैनल यहां पर हमारे साथ जुड़ गया है, उनसे इन सवालों के जवाब 1 घंटे में तलब किए जाए। उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। मैं तो किसी की बात नहीं सुन पा रही हूँ। अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट। You will see what an earthquake is going to be. Don't do that. तालठोक के आज का पहला सवाल, क्या विपक्ष ने हंगामा करके प्रधानमंत्री को संसद में बोलने से रोका? सरकार कहती है हम चर्चा चाहते हैं, सरकार कहती है प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार है, सरकार कहती है प्रधानमंत्री आकर के कहने को तैयार है, लेकिन उनको मालूम है उनका जूझ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री का यह कहना कि मुझे बोलने नहीं देते असत्य है। हम तो मांग करते रहे, 16 तारीख से हमने बहस शुरू करी कि वो आए, सुने, हिस्सा लें। गतिरोध किस बात पे कि उनका सोच ये है कि वो सिर्फ आएंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे। ताल ठोक के आज का दूसरा सवाल, क्या नोटबंदी पर विपक्ष कर रहा है दुष्प्रचार, इसीलिए पीएम लगा रहे हैं जनता दरबार? वो आजूबाजू में रहने के बावजूद भी, दिल्ली में रहने के बावजूद भी संसद में आना नहीं चाहते और सुनना नहीं चाहते। जनसभा में चूंकि कोई प्रश्न नहीं करेगा इसलिए वो अपने तरीके से भाषण कर सकते हैं और जो चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन संवाददाता सम्मेलन में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपके संसद में, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उनको प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। कोई भी ये तानाशाही जो व्यक्तित्व होते हैं वो कभी अपने सामने प्रश्न सुनना नहीं चाहते। अगर दुखी कोई था तो इस देश का ईमानदार नागरिक दुखी, परेशान था तो इस देश का ईमानदार नागरिक परेशान। 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को, 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को आपने लूटा, आपने परेशान किया, उसको जीवन मुश्किल कर दिया। आज मैं जब ईमानदारों के साथ खड़ा हूं तो ईमानदारों को भड़काया जा रहा है। ताल ठोक के आज का तीसरा सवाल, क्या विपक्ष नोटबंदी के खिलाफ देश को भड़का रहा है? So it is Modi ji's party and Modi ji's government which is obstructing debate by refusing to listen to the opposition in the Rajya Sabha, by refusing to concede to their demands of a discussion with voting in Lok Sabha. He can come to Parliament and
सेटल दिस इशू विद द अपोजिशन एंड स्टार्ट डिबेट। एक महीने से हम डीमोनेटाइजेशन पे चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हाउस के अंदर हमारे साथ डिबेट करे, और जैसे मैंने कहा, दूध का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू कम। ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, संसद का शीत सत्र बर्बाद करने का जिम्मेदार विपक्ष या सरकार? कौन किसको विपक्ष में नहीं बोलने दे रहा है, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में आज ये चर्चा बहुत अहम हो जाती है। मत भूलिए, सिर्फ 3 ही दिन बचते हैं शीतकालीन सत्र में, जब सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी वेनसडे। सुधांशु त्रिवेदी साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD की हुई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चरण सिंह सपरा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस के MLC हैं। सर, आपका भी स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी साहब RJD के प्रवक्ता है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव भी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। नवेद सिद्दीकी साहब जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, रेडियो जॉकी भी रह चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सप्रा साहब आपके पास, क्योंकि आज आरोप सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनासकांठा से आपके ऊपर लगाते हैं, यानी विपक्ष के ऊपर लगाते हैं। कहते हैं भाई मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, इसीलिए मुझे जनसभा करनी पड़ी है या यहाँ पर मुझे अपनी बात को रखना पड़ रहा है। आप बोलने नहीं दे रहे हैं, और अगर नहीं तो क्यों? नहीं देखिए, मोदी जी को खुद मेरे ख्याल से उनको यही पसंद है कि वो पार्लियामेंट में ना बोले और वो कहीं जाकर के जनसभा में बोले, जहां पर उनको कोई सवाल नहीं करे, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करे। विपक्ष यही चाहता है कि 8 नवंबर से, जब से प्रधानमंत्री साहब ने ये डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर किया है, तब से लोगों को जो तकलीफ हुई है उस पर चर्चा करना चाहता है। जो लोग कतार में आज 32 दिन हो गए खड़े हैं, जो 100 के करीब लोगों की मौत हो गई है, जो इकोनॉमी नीचे जा रही है, जो कारोबार जो है वो बंद हो रहा है, स्मॉल ट्रांजैक्शन बिजनेस इफेक्ट हो गया है, बड़ी इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है, लार्सन टूब्रो जैसी इंडस्ट्री 14,000 वर्कर निकाल देती है, बिहार में जूट इंडस्ट्री 2,500 वर्कर निकाल देती है, जो डेली वेजेस वर्कर है वो तकलीफ में है, जो खेतों पे काम करने वाला किसान है या उसका वर्कर है डेली वेजेस वाला, वो तकलीफ पे है। तो इन सारी बातों पे विपक्ष चर्चा करना चाहता है। तो प्रधानमंत्री से पूछा क्या, यही पूछा है ना कि आप आइए बैठिए, चर्चा में शामिल होइए, हमारे साथ क्रॉस क्वेश्चन होंगे, आपके MP भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, और एक एक जनता जनता को एक न्याय मिलेगा। अब प्रधानमंत्री जी ने एक हफ्ता निकाल दिया, वो आना ही नहीं चाह रहे थे, फिर सिंबॉलिक आके केवल बैठते थे और बाहर जाके विपक्ष को कहते थे कि विपक्ष के पास काला पैसा है। तो विपक्ष के नेताओं ने कहा कि आप इस तरह से कैसे इल्जाम लगा सकते हो हमारे ऊपर कि हमारे पास काला पैसा है, आप सदन में माफी मांगिए। फिर विपक्ष ने कहा कि वोट होनी चाहिए इस पे, तो वोट के लिए बीजेपी कतई तैयार नहीं थी, लेकिन कल यहां तक विपक्ष तैयार था कि हमको वोटिंग की जरूरत नहीं है, चलो हम चर्चा करते हैं। तो सत्ताधारी पार्टी ने चलने नहीं दिया। अब ये पहली बार देखा है पार्लियामेंट चलाने की जवाबदारी जो है वो प्रमुखता से सत्ताधारी पक्ष पर होती है, और सत्ताधारी पक्ष ही पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा है। सत्ताधारी पक्ष तो चाहता है कि पार्लियामेंट के अंदर चूंकि प्राइमरीली ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, ये सरकार की, ये सरकार की जिम्मेदारी। सपरा साहब, तो आप क्या कह रहे हैं कि इसीलिए शोर शराबा, हंगामा, विरोध करना, वहां पे नारेबाजी करना, वेल तक पहुंच जाना, पेपर्स फाड़ देना, इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं? देखिए, ये सब विरोधी पक्ष के अधिकार होते हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी जब विरोध पक्ष में रही है, उन्होंने भी किया है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि सत्ताधारी पक्ष भी उसी तरह से एजिटेट करे। सत्ताधारी पक्ष का काम होता है कि वो विपक्ष के साथ बैठ करके और बातचीत करके और पार्लियामेंट को किस तरह से चल सकती है उसका प्रयास करे। ठीक है सप्रा साहब, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर हम हंगामा करते हैं तो ये हमारा हक है, लेकिन अगर कोई और हंगामा करे तो ये उनका हक नहीं है। ठीक है, कुछ वैलिड सवाल है, मैं सीधा सुधांशु जी से इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी,
राहुल गांधी भी कल आए, उन्होंने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बोलने कौन नहीं दे रहा है सर? देखिए रूपका जी, मैं सारी बातों का क्रमशः उत्तर दूंगा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। अरे भाई, राहुल गांधी जी 10 साल रहे थे सांसद, आखिरी कई साल डेढ़ साल में बोलना शुरू किए थे, आप याद करिए। और ऐसा भूकंप आया कांग्रेस में कि 206 से 44 पे आ गई। तो वो आगे क्या भूकंप लाएंगे जिनकी जमीनी की अपने पैरों के नीचे की जमीन ही सरकती जा रही है, वो एक अलग विषय है। अब हम आ रहे हैं मुख्य मुद्दे के ऊपर, करना चाहते पार्लियामेंट, अब मैं उस पे आ रहा हूँ। सप्रा जी, इसको सप्रा जी भेंट नहीं चढ़ाते हैं एक एक करके। हाँ। बहुत बहुत तो देखिए सलीके से और तफसील से जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं उनका जवाब आपसे लूंगी। जो आप आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब जो है मैं सुधांशु जी से लूंगी। बिल्कुल एक सलीके वाली डिबेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाँ सुधांशु जी, जवाब दीजिए। सप्रा साहब ने कहा कि बहस होनी चाहिए संसद में और प्रधानमंत्री को आना चाहिए। हम बिल्कुल कहते हैं जब हम संसद के पटल पर बहस करते हैं तो संसद की व्यवस्था नियम और परंपरा के अनुसार करते हैं। संसद की व्यवस्था क्या है कि जिस विषय का डिस्कशन करना है संबंधित विभाग का मंत्री उसका उत्तर देता है, उसके बाद यदि आवश्यकता होगी तो प्रधानमंत्री उसमें हस्तक्षेप करता है। यह विषय विशुद्ध रूप से आर्थिक था, वित्त मंत्री इस पर डे वन से जवाब देने को तैयार थे, मगर विपक्ष इसी बात पे अड़ा हुआ था कि नहीं नहीं वित्त मंत्री का जवाब नहीं सुनना है, हमें तो सीधे प्रधानमंत्री का जवाब सुनना है। उसके पीछे विपक्ष की मनोवृत्ति यह थी कि देखिए उनका तो सिर्फ यह है कि टारगेट मोदी और अट्रैक्ट टीआरपी। अच्छा, अरुण जेटली जी ने कहा था, ठीक है, तो उनका लक्ष्य यहाँ पर एक तथ्यात्मक जवाब नहीं देना। इस पे रूबी का जी मैं बोलना चाहूंगा, अगर संबंधित मंत्रालय के मंत्री को ही जवाब देना है तो फिर प्रधानमंत्री रैली में जाकर उस पर क्यों जिक्र कर रहे हैं? फिर एफएम को ही सारी की सारी चीजें संभाल लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल, देखिए हर मंच की अपनी अलग व्यवस्था होती है। जब जनसभा में आप बोलते हैं तो आप एक राजनीतिक भाषण देते हैं और राजनीतिक में सारे विषय हैं। अगर सीमा पर अटैक का मामला होगा तो सिर्फ रक्षा मंत्री नहीं बोलेगा जनसभा में, जो भी मंत्री होगा वो बोलेगा, मगर जब सदन में पूछा जाएगा कि सीमा पर क्या हुआ तो जवाब रक्षा मंत्री से ही अपेक्षित होगा और उसे ही जवाब देना होगा। इसलिए विपक्ष की संसदीय व्यवस्था और संसदीय परंपरा में अस्थाई नजर नहीं आती है और विपक्ष वही अपनी 12 साल पुराने माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रहा है कि येन केन प्रकारेण मोदी जी को लक्षित करो, मोदी जी को टारगेट करो और उसी के ऊपर अपनी पूरी राजनीति को केंद्रित रखो। और अंत में मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, यदि विपक्ष पूरी तरीके से हमारे विरोध में है तो मैं पूछना चाहता हूं भैया नवीन पटनायक और नीतीश कुमार क्यों आपके साथ नहीं है? शायद इसीलिए कि इन दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है और जो जो इसके विरोध में खड़े हैं, ममता जी का देखिए क्या पृष्ठभूमि है, प्रश्न चिन्ह है शारदा को लेकर, मुलायम सिंह जी और मायावती जी क्रमशः डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में चार्जशीट रह चुके हैं। अंत में एक वाक्य बस, और राहुल गांधी जी की वर्तमान कानूनी स्थिति यह है कि वो नेशनल हेरल्ड केस में 5,000 करोड़ के घोटाले में न्यायालय के द्वारा 50,000 के मुचलके पे हैं। तो भाई आप देख लीजिए ना कौन से तो चेहरे। सुधांशु जी, आप सीधा सीधा विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि सबसे ज्यादा चिंता विपक्ष को इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं काला धन दबाया हुआ है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इनके चेहरे देखिए भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग, ठीक है, यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का विरोध कर रहे हैं तो पूरा विपक्ष जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव यहां पर मेरे साथ है। सुधांशु जी, अब मेरे पास आरजेडी से भी एक स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। सबसे पहले सप्रा साहब, एक सेकंड में आ रही हूँ, मृत्युंजय तिवारी साहब, जो कोई भी इस फैसले के खिलाफ है, आज सुधांशु त्रिवेदी वापस वही बोल रहे हैं, चिंता उन्हीं के चेहरों पर या उनके पेशानी पर दिख रही है जिनको डर है, जिनको खौफ है कि कुछ गड़बड़ी इससे होने वाली है। मृत्युंजय जी, नहीं नहीं देखिए ऐसा है रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी जो दलील दे रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बात कर रही है, ये देश की गरीब जनता, जो देश के 100 लोग देश में मारे गए ये कौन थे, इनको काले धन वालों को पकड़ने से किसने रोका है, विदेशों से काले धन लाएंगे इस पर कार्रवाई करने से किसने रोका है? अगर हम लोगों को डर है या जिसको डर है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? देश की सत्ता इनके पास है, शासन प्रशासन देश की सारा व्यवस्था इनके पास है,
तो ये किनको कह रहे हैं कि डर लगता है? एक भी किसी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई हुई क्या? ये क्यों नहीं बोलते कि काले धन किसके पास है, उनका नाम क्यों नहीं बताते? ये बरगलाने से देश की जनता सब समझ रही है, 20% लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत है, पूंजीपति और उद्योगपतियों की शुभचिंतक है ये सरकार, ये सर्वविदित है। अब ये कुछ भी दलील दे ले, ये जिस तरह से गांव के लोग गरीब किसान मजदूर परेशान है, ये उनको नहीं दिख रहा। ये नवीन पटनायक जी, नीतीश कुमार जी ने भी क्या कहा है? नीतीश कुमार नोटबंदी का या काले धन पर, सब लोग कह रहे हैं कि आप नोटबंदी के लिए पहले व्यवस्था कर लेते, इस तरह की व्यवस्था जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, जा साहब इस तरह से व्यवस्था तो आपने कोई तैयारी नहीं की, और आपने जा साहब लगा दिया गरीब जनता को। त्रिवेदी जी यहाँ पर है जवाब देने के लिए, इसको एक सब लोग चोर हैं और हम ईमानदार हैं, ये जो दलील बीजेपी देती है इस पर्दे के पीछे नहीं है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी, जा साहब ठीक है, नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, पास जवाब है नहीं, आप मुझे जवाब लेने दीजिए ना सर, मुझे जवाब लेने दीजिए, जनसभाओं में बोल रहे हैं। आपकी बात समझ आ गई, अब जवाब लेने दीजिए। त्रिवेदी जी बात एकदम 100% 16 आना सच इस लिहाज से है कि अब तक 4,27,000 करोड़ रुपए की करेंसी छपी है इन एक महीने के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उनमें से 3 से 4 करोड़ रुपए नए नोट में करेंसी पकड़ी जा चुकी है। अभी अभी खबर आई 24 करोड़ जो है वहां वेल्लोर में नई करेंसी एकदम करकराते जो नोट है वो पकड़े जा रहे हैं। कहां खामी रह गई सर, जो आम आदमी वहां पे बहुत धैर्य बहुत सब्र के साथ एटीएम के बाहर बैंकों के बाहर कतार लगा के खड़ा है, अब उसका सब्र जवाब दे रहा है। वो ये कह रहा है हम यहां पागलों की तरह दिन रात धूप में पसीना बहाते खड़े रहते हैं और पकड़े जा रहे हैं 24 करोड़ रुपए नई करेंसी में। कौन गड़बड़ी कर रहा है और इस चीज को क्या हम पकड़ पाने में नाकाम रहे हैं? देखिए रूबिका जी, आपने जो बोला तो मृत्युंजय जी का उत्तर इसी में निहित था। अभी इन्होंने कहा कि साहब गरीब आदमी जो है उसको समस्या हो रही है और अमीर तो आराम कर रहा था। पूछना चाहता हूं 24 करोड़ रुपया कैश जिसके पास पकड़ा जा रहा है वो क्या गरीब आदमी है? ये वही धनाढ्य लोग हैं, धन कुबेर, जिन्होंने काला धन छुपा के रखा था, हमारी सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। और आप देखिए देश के इतिहास में पहली बार कार्रवाई सिर्फ पैसे वाले बिजनेसमैन उद्योगपति के घर पे नहीं हो रही है, बैंकों के ऊपर भी प्रवर्तन निदेशालय के छापे, ईडी के छापे बैंकों के ऊपर भी पड़े हैं। क्योंकि जब इस ढंग की व्यवस्था से आपको लड़ना है तो इस व्यवस्था के पांव भी बहुत दूर तक पसरे हुए हैं, सरकार उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ आगे लड़ाई लड़ रही है। और मृत्युंजय जी को मैं एक वाक्य और कहना, भाई हमने तो नहीं कहा कि हम ही ईमानदार हैं बाकी सब बेईमान है, हमने तो पहले ही 2 विपक्ष के नेताओं के नाम लेके उदाहरण दिया, तो जवाब तो आप बताइए ना, आपके सहयोगी क्यों कर रहे हैं? हमने अकेला अपना नहीं बोला है क्या? काले धन वाले भाई देखिए पूरा नहीं, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि चारा घोटाले की प्रसिद्धि वाले श्री लालू यादव और नीतीश कुमार जी के दो व्यू अलग अलग क्यों हैं? उसकी मर गई। सुधांशु जी, बड़े मछलियों को पकड़ने के लिए आपने पूरी तालाब के पानी को सुखा दिया जिसके कारण छोटी मछलियां मर गई और बड़ी मछलियां तो पकड़ी नहीं गई। कितने लोगों को आपने पकड़ा, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कौन रोका है आपको? अच्छा सर मुझे ये बताइए एकदम, ये तो कोई भी आदमी समझ जाएगा, जा साहब सपरा साहब और जनता को कष्ट हो रहा है। एक सेकंड सर सुनिए, प्रधानमंत्री पास उससे पहले सपरा साहब, जा साहब ये बात तो आप भी समझेंगे, जहाँ से अरे रेट पड़ रही है सर, पकड़े जा रहे हैं ये धन कुबेर, ये लोग पकड़े जा रहे हैं, इससे तो आप अग्री करेंगे सपरा साहब, अग्री करेंगे आप जा साहब, अग्री करेंगे? देखिए यही मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की डिमोनेटाइजेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी तैयारी नहीं थी। सवाल यही उठता है जिसमें विपक्ष सत्ताधारी पक्ष से सवाल पूछने वाला है। रूबिका जी मैं बोलूं या नहीं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए सप्रा साहब, सुन रहे हैं, आपके साथ ही है जो आपको आवाज दे रहे हैं। प्रश्न यही उठ रहा है कि सरकार की कोई इंप्लीमेंटिंग फॉर्मूला नहीं था इंप्लीमेंटेशन का प्रॉपर, इस वजह से देश में अराजकता जैसा माहौल हो रहा है। आज जो लोग पकड़े भी जा रहे हैं, जो एक्सिस बैंक या जो इस तरह के उदाहरण आ रहे हैं,
ये सरकार को पहले तैयारी करनी चाहिए थी कि इस तरह के वाक्या भी होने हो सकते हैं, तो ये सरकार की तैयारी नहीं थी, ये इसमें खुलासा होता है। दूसरी बात, जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मनीष शर्मा जिनके पास 33 करोड़ पकड़े गए वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो इनका तमिलनाडु का युवा मोर्चा का अध्यक्ष जिसके पास से 6 करोड़ रुपया पकड़ा गया नए नोट, वो इनका सदस्य। उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर सुभाष देशमुख की गाड़ी से 92 लाख पकड़े गए। सर, ये मनीष त्रिवेदी त्रिवेदी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में आप दावे से बोल सकते हैं कि ये किस पार्टी का है? आप दावे से बोल सकते हैं? लेट्स नॉट कीप गलत फैक्ट्स नहीं रखते हैं सर। आप इस तिवारी के बारे में बोल सकते हैं किस पार्टी से बिलोंग करता है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है। सप्रा साहब, आप श्योर हैं कि ये तिवारी किस पार्टी से बिलोंग करता है? तिवारी मनीष शर्मा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा है, और जो तमिलनाडु का युवा मोर्चा का इनका सलेम एरिया का जो जनरल सेक्रेटरी है वो उसके पास पैसे पकड़े गए हैं। इनके जो पंजाब के ट्रेजरर है संदीप कंबोज, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन से 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर 2000 का नोट डाला। क्यों डाला? किस तरह से डाला? ठीक है। बिहार के अंदर जो 35 जमीनें भारतीय जनता पार्टी ने सर्कल रेट से नीचे खरीदी। सर, अगर हैंड इन ग्लव्स होते इतना तो मैं समझ पा रही हूँ सप्रा साहब, लेकिन मैं इसका जवाब लेती हूँ त्रिवेदी जी से। ठीक है, तो क्या वो काला? मैं जवाब लेती हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये है सफेद ईमानदारी का सर्टिफिकेट दूसरे पार्टियों को। आम जनता जो ये समझ पा रही है वो ये तो समझ पाएगी, अगर हैंड इन ग्लव्स होते, अगर पीछे से इन सबको बचाना होता तो ये लोग पकड़े नहीं जाते। सबके ऊपर एक सी कार्रवाई हो रही है ये तो समझ में आ रहा है, इसीलिए बीजेपी का भी आदमी पकड़ा जा रहा है और बाकी दूसरी पार्टियों का भी आदमी पकड़ा जा रहा है। ये ठीक है, टिप ऑफ आइसबर्ग है रूबिका जी, टिप ऑफ आइसबर्ग। ठीक है सर, टिप ऑफ आइसबर्ग, बाकी सारे धन कुबेर कहाँ है मैं पूछती हूँ। नवेद साहब के पास जाना है, वो बहुत टाइम से हमारे साथ बैठे हैं सर, 21 मिनट हो गया है, मेरे मेहमान हैं, उनसे भी अब सवाल पूछना पड़ेगा। 100 करोड़ रुपया एक्सचेंज एक ड्राइवर को पता था तो उस ड्राइवर ने बेचारे ने आत्महत्या कर ली। ठीक है सर, मैं आती हूँ अब। समाजवादी पार्टी से सिद्दीकी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ तो सिद्दीकी साहब, क्या आप हैं जो बोलने नहीं दे रहे हैं? ये कौन है जो ना राहुल गांधी को बोलने दे रहे हैं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने दे रहे हैं? हमें सिर्फ शोर शराबा सुनाई दे रहा है, परेशानी का सलूशन नहीं दिख रहा है। रूबिका जी, देखिए ऐसा है, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने यह कहा कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, हम बोलना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, मगर हम रख नहीं पा रहे हैं, तो ये देश के वजीर आजम, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कबूल कर लिया कि हम बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री हैं क्योंकि हम अपनी बात संसद में नहीं रख पा रहे हैं। तो आप बड़ी उम्मीदों से आपको आदमी इंसान चुन करके संसद भेजता है, अगर आप अपनी ये कबूल कर रहे हैं, आज जनता के सामने आप कबूल कर रहे हैं इस बात को कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम बोलने में नाकामयाब हैं, तो इसका मतलब आपने ये कबूल कर लिया कि आप उस जगह के लिए आप लोगों की बात क्या रखेंगे। दूसरी चीज, जिस तरह से वो इस चीज से बचना चाह रहे हैं और दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाना चाह रहे हैं रूबिका जी, और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से आज उन्होंने कहा कि 50 दिन और लगेंगे, तो कुछ वक्त इस तरह से बढ़ाया जा रहा है जिस तरह भारतीय रेल अपने ट्रेन के लेट होने की खबर जब देती है तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता देती है कि लोग परेशान ना हो, हैरान ना हो, भागे ना स्टेशन छोड़ के बैठे रहें, तो 10-10 मिनट 15-15 मिनट करके बढ़ाती, उसी तरह मोदी साहब भी इसको बढ़ा रहे हैं, और हिंदुस्तान की आवाम जो है वो परेशान हो रही है, और जिस तरह से परेशान हो रही है वो परेशानी का सबब मोदी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी हैं। हमारे आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत ही दीगर शख्सियत हैं, हम इनसे एक बात ये कहना चाहेंगे, अभी इन्होंने बहुत कायदे से एक बात कह दी कि जवाब जो है अरुण जेटली साहब दे रहे हैं, मोदी जी को देने की क्या जरूरत है, मोदी जी बाद में देंगे, या इस तरीके से इन्होंने दूसरों के ऊपर रख दिया। तो ये सुधांशु त्रिवेदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि जिस वक्त आपका ये स्लोगन था कि अब की बार मोदी सरकार, तो उस वक्त आपने सारे लोगों को दरकिनार कर दिया था, चाहे वो एल के आडवाणी साहब हो, चाहे वो जसवंत सिंह जी हो, चाहे यशवंत सिन्हा जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी साहब हो, आज भी देश की चर्चा करते करते आप पार्टी की कहां चर्चा करने लगे? आवाज थी एक ही, देश की चर्चा हो रही है, वहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि लोगों को परेशानी से कैसे निजात मिलेगी, इस फैसले के मेरिट्स क्या क्या होने वाले हैं, और आप जो है वहाँ पार्टी में चले गए सर।
ऐसे नहीं चलेगा ना सर। ट्रैक नहीं, ये बात कही ना सर, आप ट्रैक से बाहर मत होइए ना, आप ट्रैक पर चलिए। जब आपका आपके पोस्टर आपकी ट्रेन लेट कर दीजिए पर ट्रैक पर रखिए। रूबिका जी, जाना है रंगून, पहुंच गए चीन वाली बात नहीं चलेगी। अब सुनिए एक सेकंड, मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। सुधांशु जी, सवाल मृत्युंजय तिवारी साहब भी कर रहे हैं, सवाल सीधा सीधा सप्रा साहब भी कर रहे हैं, और सवाल सिद्दीकी साहब भी कर रहे हैं कि परेशानी हो रही है उसका सलूशन क्या है, क्या वक्त ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। एक बात, दूसरी बात ये कि आज जो जनता चैनल पर ये डिबेट देख रही है वो ये जानना चाहती है कि महज 3 दिन शीतकालीन सत्र के बचते हैं, उस पर आप सारी पार्टियां मिलकर आम जनता की प्रॉब्लम सुलझा पाएंगे या सिर्फ तू तू मैं खत्म हो जाएगा।